वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे ब्राउन अनियन यानी बेरेस्ता। इसे बनाना बहुत आसान है, इजीली आप बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए आपको मीडियम या बड़े साइज़ का प्याज लेना होगा। आप प्याज को मिडिल से इस तरह से काटेंगे और ऊपर का जो सख्त हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे। आप प्याज को इस तरह से मीडियम साइज़ में स्लाइस करते हुए काट लेंगे। सारे प्याज को इस तरह से मैंने काट लिया है। अब प्याज के जो स्लाइस है उसे हम इस तरह से छुड़ा लेंगे ताकि हर एक स्लाइस इस तरह से अलग हो जाए। और इस तरह से देखिए प्याज को हमने काट लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे गरम तेल में। प्याज को डालेंगे, प्याज को डालते वक्त इस तरह से डालेंगे ताकि ये पूरे तेल में बिखर के गिरे। और डालने के बाद प्याज को हम इस तरह से हर एक दो मिनट में चलाते रहेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। प्याज का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और प्याज की क्वांटिटी भी कम होने लगेगी। जब प्याज का कलर इस तरह से हल्का सा चेंज हो जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट के बाद प्याज का कलर जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। इससे प्याज का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो चला जाएगा और ठंडा होने के बाद प्याज एकदम कुरकुरा बन जाएगा। सारे प्याज को हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। और देखिए प्याज एकदम कुरकुरा हो चुका है। आप भी ब्राउन अनियन को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए।